नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो मेरे बहुत सारे वीडियो में कमेंट आता था कि भैया आपका फिज़िकल कब है, आप फिज़िकल क्वालिफाई किए या नहीं किए। तो मैंने सोचा कि सबका रिप्लाई करने से अच्छा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ कि मैं फ़िज़िकल क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ। तो ये मेरा जो सर्टिफिकेट है वो फ़िज़िकल पासिंग का सर्टिफिकेट है। तो मेरा जो फ़िज़िकल था वो दुर्गापुर कैंप 2 में था, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि मेरा सेंटर कोलकाता था। तो मुझे सेंटर जो भी अभी मिलेगा वो वेस्ट बंगाल में ही मिलेगा, और मैं फ़िज़िकल क्वालिफाई कर गया हूँ। मेरी जो हाइट वहाँ मेजर की गई है वो 175 की गई है, जबकि मेरा हाइट 176 लास्ट ईयर GD में किया गया था, यानी 1 सेंटीमीटर का गैप है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर कम नापा गया है यहाँ पर। और जो मेरी चेस्ट है वो 82 to 88 है, जबकि ये लास्ट ईयर में जो चेस्ट था वो 84 to 91 था। तो हो सकता है चेस्ट तो कम और अधिक तो होते रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो मेरा वेट नापा गया है वो 63 kg है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तीनों में क्वालिफाई हूँ, और ये क्वालिफाई का सर्टिफिकेट है जिसमें सभी मेंबर्स का सिग्नेचर है। तो मैं सोचा था कि उन्हें एक सेपरेट वीडियो बना दूं, ताकि जितने भी कमेंट्स में उनका रिप्लाई मिल जाए। और मैं इसके बाद आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्स के पे भी एक वीडियो लाऊंगा, जिस पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप अगर कोई कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस वीडियो में उससे आपके डाउट्स को कवर कर सकूँ, क्योंकि मैं लास्ट ईयर फिज़िकल और मेडिकल दोनों में गया हूँ, दोनों में क्वालिफाई हूँ। तो मुझे बहुत सारा आइडिया है कि किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और किस फॉर्मेट में, और किस डेट तक, जो क्रूशियल डेट है उससे पहले या बाद का डॉक्यूमेंट्स वैलिड होता है या नहीं होता है, या किस कंडीशन में वैलिड होता है। अगर आपकी कास्ट या आपका जो कैटेगरी है वो आपने गलत फॉर्म में भर दिया है, तो क्या वो DB के टाइम में सही होगा या नहीं होगा। तो मैं इन सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊँगा। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं ज़रूर उनको कवर करूँगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बने रहिए चैनल के साथ। मैं अभी मेडिकल के लिए रिगार्डिंग और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग ज़रूर वीडियो लाऊंगा, और ऑथेंटिक वीडियो लाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि मुझे आइडिया है लास्ट ईयर का, तो मैं एक जितना भी डिटेल्स आपको बताऊँगा वो 100% सही बताऊँगा, जिसमें आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद।